शादी का कितने सारे बिस्कुट खरीदा, पूरा बास्केट भरा हुआ ना। हाँ ना, इतना क्यों खरीदा? चाय के साथ, चाय के साथ बिस्किट खाते हो कि बिस्किट के साथ चाय खाते हो? अस्सलाम वालेकुम एंड हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नए दिन के साथ नया व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी जस्ट हम नाश्ता वाश्ता करके बैठे हैं और मैं सोच रही हूँ कि अपने आईब्रोज वगैरह ना सेट कर लूँ, क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। एंड हेलो इमोन। हेलो। और आज मैं ना ये शलवार कमीज़ पहन रही हूँ, सो बहुत दिनों के बाद आई एम सो हैप्पी, इस्त्री करके आई हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि इस्त्री कौन करे। एंड हेलो मेकी, फाइनली आई एम रेडी। और मुझे कमेंट्स में बताओ कैसी लग रही है मेरी ड्रेस। और ये वाली ड्रेस जो है ना, वो माँ और मापू ने मुझे गिफ्ट दी थी, तो मैंने आज पहनी है। और अभी हम लोग जस्ट घर का टूर करने वाले हैं। मैंने सोचा है कि आज आपको पूरा हमारे जो घर है, दो फ्लोर ऊपर और नीचे दोनों का टूर दूं, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए थे। मैंने अपना रूम टूर दिया, फिर मेरे पास पहला जो रूम टूर था वो दिया था, लेकिन मैंने पूरे घर का रूम टूर, हाउस टूर नहीं दिया। तो चलो आज ना हाउस टूर कर लेते हैं। मैगी, हाउस टूर करें आज? करें आज, चलो स्टार्ट करते हैं। हाउस टूर कर लूँ, उसके बाद जाके लंच करेंगे, कॉफ़ी पिएंगे। तो चलो सबसे पहले मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। ऊपर ऊपर से मेरा रूम तो सबने देखा है, डेली वीडियोस में आता है। तो सबसे पहले है ये मेरा रूम, इधर से मैं स्टार्ट करती हूँ, बाकी आगे का घर पर जाएंगे। यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये मैं इमोन होम स्वीट होम, ये मेरा रोमी है जो बेचारा गुजर गया 4 साल पहले। और लेट्स लिव टुगेदर फॉर एवर, इधर स्कूबी और मैगी का फोटो आएगा, मैं बाद में ड्रॉ करूँगी, ठीक है? तो यहाँ से आते हैं, वेलकम टू माई रूम। तो ये वाली जगह जो है वो हमने रिसेंटली, आप लोगों को सबको पता है, जो लोग मेरे डेली व्यूअर्स हैं, कि मैंने कैसे कैसे एक एक चीज़ की है। तो ये यहाँ पे हम रेस्ट करते हैं, मैगी ज़्यादातर इधर बैठता है, ये मैगी। और उसके अलावा यहाँ पे हम एडिटिंग वगैरह करते हैं। ये मैंने बहुत ही प्यार से रखा है, मेरा टेडी बियर। एंड दिस इज़ माई यूट्यूब सिल्वर बटन, जब मेरे 1 लाख फॉलोवर हो गए थे आप लोगों की वजह से, थैंक यू सो मच गाइस। और फिर हमारी ये सैमसंग 65 इंच की टीवी जो हम डेली देखते हैं, मैं और इमान शौक से। एंड दिस इज़ माई फेवरेट ड्रेसिंग टेबल, जिसको मुझे हमेशा से शौक था और फाइनली हमने ले लिया। आयतल कुर्सी रहे और वो हमारे कुछ मेमोरीज फोटोज। ये बेड साइड टेबल और ये हमारा प्यारा बेड। तो ऐसे रहा हमारा रूम, और ये मेरा और इमोन का शादी का फोटो है। और बाकी इधर से हम ना व्यू इंजॉय करते हैं डेली ढाका का। मेरे और इमोन के रूम के साइड में ही एक दूसरा रूम है जो कि मेरा स्टूडियो रूम है, लेकिन अभी उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ। तो और ये रहा मेरा स्टूडियो रूम। तो यहाँ पे ना बहुत सारा काम होने वाला है, तो फिलहाल की पेंडिंग में है, लेकिन इधर मेरा स्टूडियो रूम होगा, बहुत बड़ा सा मिरर वगैरह लगेगा, बहुत सारे कैबिनेट्स आएंगे। तो ये मेरा कैबिनेट जिसमें कपड़े जितने भी जाएं, लेकिन मेरे पास में भी कपड़े नहीं है, कम है कपड़े। तो ये कैबिनेट वगैरह हो गए हमारे। और इधर हम इधर ना ज्यादा मैगी आती है अपने कुछ हरकतें करने, खाना पीना खाने, तो मैगी का भी रूम बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादातर स्टूडियो रूम में बाद में सेट होगा। तो दिस इज द रूम। अभी हम जाएंगे लाइब्रेरी रूम में। अच्छा, और इस रूम से निकलते ही ये वाला एरिया आता है। अभी जो है ना, ये वाला फ्लोर में मैं और इमोन रहते हैं, लेकिन हम सब सारा घर एक साथ ही यूज़ करते थे, किचन वगैरह सब कुछ नीचे है, तो मैं आपको सब कुछ ही घुमाऊँगी। लेकिन सबसे पहले चलो इधर देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये है हमारा बाथरूम, जो कि मैं दिखाऊँगी आपको ऊपर ऊपर से सिर्फ, क्योंकि कोई भी अपना बाथरूम दिखाना पसंद नहीं करता। तो चलो, क्योंकि किसी ने पूछा था कि आपको बाथरूम कहाँ है, जब लास्ट में रूम टूर दिया था। तो ये इमोन है जो वीडियो करके दे रहा है मुझे। तो अभी ना ये वाला बाथरूम ना, इधर इसके पीछे कैबिनेट है, छोटा सा सामान रखते हैं, और ये पूरा साफ सुथरा है, देखो। चलो हो गया बाथरूम टूर। अभी हम ना आपको दिखाएंगे हमारे कॉफी टेबल, जो कि हम हमेशा इधर ना चप्पल उतार के जाते हैं, क्योंकि ये कारपेटिंग किया हुआ है ना, तो इसको साफ रखने के लिए इधर कोई चप्पल यूज नहीं करते। और यहाँ पे हम ना कॉफी वॉफी पीते हैं, देखो यहाँ पे कोरियन कॉफी पड़ी हुई है, पानी वानी सब कुछ रखा हुआ है। तो इधर से हम ना बस इंजॉय करते हैं। इस एरिया को भी हमें पूरा डेकोरेट, ये मैक्सिम कॉफी, अभी थोड़ी देर में मैं बनाऊंगी, जो मेरे डेली सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि मैं ये कितना पसंद करती हूँ पीना, मैं, इमोन और माँ। ये देखो माँ और अब्बा है, एमापू और अब्बा, ये एमापू और कौन है, राना भाई, ये माँ, ये अब्बा का ग्रेजुएशन फोटो, ये इमोन कन्वोकेशन, और ये इमोन एमा हो। अभी ना इस एरिया को भी बाद में हमें सेट करना है, लेकिन फिलहाल तो अच्छा ही है ना। अभी हम आएंगे इस रूम में, जो कि हमारा है लाइब्रेरी रूम।
सिनेमेटोग्राफी भी तो करनी है ना, अच्छे अच्छे शॉट्स लेने हैं यार। तो ये हमारा लाइब्रेरी रूम है और ये भी आप लोगों ने एक एक चीज़ व्लॉग में देखी है, हमने किसी मेहनत से दिल से सबको सेट किया था। तो ये सारे बुक्स जो है वो इमोन अप्पा राना भाई एमा पुमा सबके, मेरे भी इधर बुक्स हैं, मैं कोरिया से लेके आई थी, मेरे जो होते हैं ना ग्रेजुएशन बुक्स वगैरह सब कुछ, तो हम सबके इधर है। मैगी इसको भी को छोड़ गए। तो यहाँ पे ना हमने एक बेड वेड भी रख दिया है, क्योंकि ये बेड घर में हमारे पास बहुत से सामान है ना, तो ये एक्स्ट्रा बेड है कि कोई इधर बैठ के आराम से पढ़े करे। इधर चेयर्स वगैरह भी हैं, ये इमोन वालों के बचपन के टेबल्स वगैरह है जो कि इधर रखे हुए हैं, फिर इमोन की पेंटिंग्स है। तो यहाँ पे ये रूम ना हम कभी कभी यूज़ करते हैं, लेकिन बुक्स वगैरह इधर सेफ है मतलब। और ये फिर मसाज मशीन है, पुराने जमाने की टीवी, मुझे 1986 मॉडल टीवी, 85 84 ऐसा। पाकिस्तान में हमारे घर में भी ऐसी टीवी होती थी, तो मुझे भी ऐसी टीवी चलता है, लगा हुआ चलता भी है, बड़ी बात है। और इस रूम का दरवाजा भी ज्यादातर बंद रखते हैं क्योंकि डस्ट वगैरह ना हो। चलो ले इसको किताबों को सेफ रखने के लिए आ जा मैगी। चलो अभी इसको ना लॉक कर दे। और इसी रूम में ना मैं नमाज पढ़ती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ये भी पूछते हैं मैगी है घर में तो आप कैसे क्या करते हो, तो यहाँ पे नमाज पढ़ती हूँ क्योंकि दर रूम बंद है ना। चलो अभी ना ये है हमारा प्लेइंग रूम, जहाँ पे हम और भी कुछ चीज़ें रखे हैं। और ये हमारा है कैरम बोर्ड, जहाँ पे ना हमारे कॉम्पिटिशन वगैरह होते रहते हैं। तो एक शॉट मारते हैं, अच्छा तो नहीं खेलते, इमोन और माँ बहुत अच्छा खेलते हैं ये ठीक है। और अभी ना ये वाली गेम भी इधर है, इस गेम को क्या बोलते हैं, डार्ट बोलते हैं, खेलो खेलो खेल तो नहीं पाऊंगी। और चिपका, करीब से करो तो चिपकता है। और ये वाला एरिया भी ऐसे ही है, इधर ना मतलब कुछ करना चाहे, खाली पड़ा हुआ स्पेस, कुछ डेकोरेशन किए हुए हैं, पेपर कप वगैरह रखे हुए हैं, ताकि इधर हम लोग ना वो करते हैं, कभी कभी कॉफी वॉफी पीते हैं, गेम खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। तो ये प्लेइंग एरिया है, और वो एक रूम है जो कि अभी कुछ भी नहीं है, खाली है, तो इसलिए मैं इधर अंदर जाके भी क्या करूँ, लेकिन इसमें स्लाइडिंग डोर है। तो ये वाला रूम ना हमने सोचा है सिनेमा रूम बनाएंगे। ये वाला फ्लोर जो है ना अभी नया नया है, इसलिए इधर सब कुछ नया है। अभी चलते हैं नीचे, और नीचे से इधर से देख लो हमारी सीढ़ी, हमारी सीढ़ी जो कि रिसेंटली कलर वलर की है, और ये लगाया है मेट और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलो नीचे जाते हैं, लेट्स गो। चलो अभी हम ना जाएंगे, इस सीढ़ी के करीब ही है ड्राइंग रूम जो कि गेस्ट वगैरह के लिए होता है। और सबसे पहले मैं देखता हूँ कोई है क्या अंदर, लाइट जल रही, खाली है खाली। ये हमारा ड्राइंग रूम, और ना इधर भी एक गैलरी है, तो वो गैलरी भी अभी कभी कभी यूज़ करते हैं बाहर जाने के लिए। और यहाँ पे हमने ये डेकोरेशन वगैरह करके रखी है, किसी की भी बर्थडे हो ना इधर बैठ के हैप्पी बर्थडे करेंगे। और गेस्ट वगैरह हैं, बहुत सारे सोफे हैं, तो हमारे घर आते रहते हैं ना गेस्ट, तो हम सब इधर ही बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है। चलो, और ये याद है इमोन, चाइना से तूने ऑर्डर किया था अली एक्सप्रेस से, और हमने लगाया था। ये सेम मेरे पाकिस्तान के घर में भी है, अगर आप लोग मेरे पुराने वीडियोस देखोगे ना, इसी लास्ट ईयर जब मैं पाकिस्तान गई थी, तो ये हमारे उधर भी ड्राइंग रूम है। वॉल में जो पेंटिंग दिख रहा है ये वाला, फिर इधर सारे सब सादिया का है, ये मैंने किया था कोरिया में, ये एप्पल भी सादिया का है बनाया हुआ प्लस। तो ये जब मैं कोरिया में थी ना, क्योंकि मैं फाइन आर्ट की स्टूडेंट भी हूं और ग्राफिक डिजाइन की भी, तो इसलिए मेरा आर्ट वर्क ना घर लेके आई थी इधर, तो इधर हमने डेकोरेट किया है। चलो अभी बाहर जाते हैं। तो ये आ गया एक, और ये हमारे पास दो डाइनिंग एरियाज हैं, एक ये है जब गेस्ट होकर आते हैं ना तो इधर हम बैठते हैं, और ये माँ के पसंदीदा फ्रूट्स ये एक भी असली नहीं है, सारे आर्टिफिशियल है, लेकिन दिखने में पूरे असली लगते हैं, क्योंकि ये हम कोरिया से, पता है कहाँ से लेके आए, गंगनम से, एक्सपेंसिव एरिया से, अच्छी क्वालिटी है। और यहाँ पे पूरे शोपीस वगैरह हैं, और पुराने पुराने जो मेमोरीज हैं वो है इधर। फिर ये हमारा फ्रिज है, खूबसूरत सा फ्रिज, ये मेरी अम्मी जो है ना पाकिस्तानी मॉम, उनको बहुत पसंद आया ये वाला फ्रिज, पूरा स्टाइलिश है ना। तो यहाँ पे हम लोग, ये पूरा फ्रीज़र है, तो इधर बहुत सारी चीज़ें मतलब फ्रीज की हुई है, तो ये फ्रीज, एक फ्रीज़र इधर है और दूसरा फ्रिज दूसरी साइड है। यहाँ पे हमारे इस्त्री का एरिया, फिर इधर एक बड़ी सी विंडो आती है, तो घर में माशा से बहुत सारे रोशनी के एरिया है, विंडो विंडो। फिर यहाँ भी शॉपीज वगैरह है, इमोन ये दिखाओ, आओ ये इमोन वालों के पुराने फोटो बचपन के, जूम करो, कौन कौन है बोलो। ये मैं हूँ, मेरा नाम है एमा पू है, ये मैं हूँ, मेरा नाम है एमा पू है। माँ और अब्बा कहाँ का फोटो है, अल्जीरिया। माँ और अब्बा ना बहुत सारे कंट्रीज में रह के आए, किसी दिन मैं अब्बा और माँ से मिलके फिर वो वीडियो भी बनाऊंगी कि वो कहाँ कहाँ रह के आए, कैसे लाइफ थी, क्योंकि बहुत सारे लोग क्यूरियस होंगे ना।
चलो अभी आगे जाते हैं। चलो अभी ये वाला एरिया पूरा मैंने दिखा दिया है और अभी इस गेस्ट रूम के करीब ही सीढ़ियां हैं और सीढ़ियों के करीब ही ना माँ और अब्बा का रूम है, तो आओ चलो चलते वाशी कैसे अभी हाँ तो ये ना माँ और अब्बा का रूम है, देखो इधर माँ अब्बा घुमाते से अब्बा सो रहे हैं और ये बस एरिया है जो आप वीडियोस में देखते रहते हो। अभी चलो आपको दिखाती हूँ एम्मा अपो और राना भाई का रूम। आ जाओ चलो इस रूम से निकला है, यहाँ पे हमारी वॉशिंग मशीन वगैरह है, बाथरूम है, बेसिन वेसिन है, तो इस सीढ़ी के नीचे ही यहाँ पे कौन तुम रात को इधर जाने की हिम्मत करोगे ना, डर लगता है ना ना। तो ये ऐसे है, देखो इधर हमारी कॉफी भी है, उस दिन राणा भाई ये उसकी तरह है, ये स्टोर से ज्यादा ये स्टॉक होता है, खाने का स्टॉक, खाने का स्टॉक है असल में। और इसमें पूरे नए नए जो सामान होते हैं ना, नए नए बर्तन वगैरह क्या, वो पूरा अंदर ना इधर पूरा वो है भरा हुआ सामानों से, ऊपर से दिखाती हूँ क्योंकि सब सो रहे हैं काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे घर में मजे की चीज ये है कि इधर हर जगह स्लाइडिंग डोर है, इस एरिया का भी अलग से एक स्लाइडिंग डोर है ऐसे। यहाँ अंदर आते ही एक कॉरिडोर आता है, ये करीब ही करीब एम्मा अप्पू का रूम है माँ के अपोजिट में, फिर इस कॉरिडोर में आते ही ये वाला है राणा भाई का रूम, याद है लास्ट टाइम हम इधर रहते थे कुछ महीने, दिखाओ ऐसे ये वाला रूम राणा भाई का। अब ये आते ही मेरी और इमान की फेवरेट जगह खाना पीना है, इधर हम डेली इधर ही खाना पीना करते हैं, एक और फ्रिज है उस साइड बड़ा हुआ रखा हुआ, और ये बस हमारा जो चम्मच स्पून वगैरह कॉफ़ी कोरियन कॉफी खत्म हो गई है यार, लेनी पड़ेगी थोड़ी बची है। चलो आ जाओ किचन में आ जाए, और ये हमारा हो गया किचन, तो किचन तो आपने देखा ही है, यहाँ पे ओवन है, माइक्रोवेव है, और क्या है यहाँ पे हम सारा मसाले वसाले हैं, इधर भी ये सब मसाले हैं, ऑयल वगैरह ऑलिव ऑयल ये सब ऑयल रखे हुए हैं इधर, और ये पानी हम इसमें पानी डाल पीते हैं, मतलब पानी बॉयल करके इसमें डालते हैं, ये सुना है बहुत अच्छा है, क्या बोलते हैं पीतल, पीतल का, और हम ना वैसे ये पीतल का ढूंढ रहे हैं बहुत बड़ी साइज वाला, तो कमेंट्स में बताओ कहाँ मिलेगा बांग्लादेश में बड़ी साइज, शकरी बाजार मिलेगा क्या जी, चलेंगे किसी दिन। और यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है, और उसके अलावा यहाँ पे दो स्टोर रूम है, एक ये स्टोर रूम है जहाँ पे ना छोटे बड़े सामान रखे हुए हैं, पीछे एक फ्रिज है, पे ये पीछे एक और फ्रिज है, ये चलता है लेकिन हमारे पास ऑलरेडी दो है तो इसको फिलहाल रखा है बंद करके। और उसके अलावा यहाँ पे दालें वाले मसाले पता नहीं क्या क्या बहुत सारा मतलब काम की चीजें हैं इधर, एक दूसरा स्टोर रूम है जो कि इधर आता है, ये दूसरा स्टोर रूम है जहाँ पे ना आलू वालू प्याज वगैरह और कुछ सामान रखे हुए हैं, प्लास्टिक बैग्स ये वो चलो चलो चलो। और यहाँ पे हमारा मेन गेट है, तो मेन गेट के इधर ही हमारे शूज वगैरह होते हैं, और मेरी बड़ा तंग कर रही थी, चिल्ला रही थी ना शर्ट इसकी सही करो, और इधर ही बस नीचे से हम ना जाते हैं, यहाँ पे हमारा फिर बस फ्लोर स्टार्ट होता है ऐसे, तो ये है हमारा हाउस टूर। पीछे एक और टेडी बियर है, इसको तो इंट्रोड्यूस ही नहीं किया बेचारा बेटा भाई, दो टेडी बियर, और लास्ट हमारी जो है ना वो छत रह गई है, तो लेट्स गो टू छत, आ जाओ इमन छत का दरवाजा खोलें, छत की फिर अलग से चप्पल रखें इधर से, फिलहाल इसको बंद करते, और ये छत पे अम्ब्रेला है, इधर बैठ के कुछ खाओ पियो एंजॉय करो, चाय चादर वो धोई हुई है पीछे, बस ऐसे है ये छत, तो ये है छत का टूर जहाँ पे हम बारबेक्यू वगैरह करते हैं, चाय वाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं, तो होम टूर हो गया कंप्लीट, तो माशाल्लाह बोल देना सब, और कमेंट्स बताना आपको हमारा घर कैसा लगा, मेरा ससुराल आप तो मेरा खुद का घर है मेरे दो घर हैं, एक पाकिस्तान में घर है हैदराबाद में कस्माबाद में, और एक मेरा ये, तो चलो गाइस अभी ना बाकी का दिन जो है एज यूजुअल डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। इमाम मैं पूरे कपड़े तो दिखाओ, इतने शौक से पहना है आज मैंने पाकिस्तानी ड्रेस, एक्चुअली बांग्लादेशी ड्रेस है लेकिन सब एक ही है ना, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इस शर्ट का दुपट्टा नहीं है शायद, पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रहा, मैंने जीन्स के साथ पहन लिया है, थोड़ी देर के बाद बाहर जाएंगे, तो अभी फिलहाल ऐसे ही खुश हूँ आज मैं पहन के, अच्छा लग रही हूँ, तारीफ तो करो ताकि मैं और पहनूँ फिर, अच्छा लग रहा है, अच्छा है। अभी हम लोग बाहर आ गए, मौसम भी बहुत अच्छा है ना, और लैपटॉप मार्केट जा रहे हैं, थोड़ा लैपटॉप वगैरह देखेंगे, कंप्यूटर राणा भाई भी साथ में आए हुए हैं,
और देखते हैं, कंप्यूटर देखना है, डेस्कटॉप। ओ जो दिया था बनने के लिए, नहीं नहीं, नहीं वो तो नहीं, आ गया, नया लेना है। नाना भाई जब तक देखते हैं उनको क्या लेना है, हम तब तक इसी दुकान देख रहे हैं। इमान बोल रहा है इसके अंदर ही वो है सीपीयू, हां ऑल इन वन। अच्छा है तो बस एक ही मॉनिटर। हां इसके इसमें ही है सब कुछ, कंप्यूटर बड़ी बात है ना। हाँ ये कोरिया में भी था, हमें चाहिए होगा एडिटिंग के लिए। नहीं ये इतना पावरफुल नहीं होती एडिटिंग के लिए, सही नहीं है। सीपीयू लेना प्रॉपर, वो गेमिंग लेना पड़ेगा। सदिया क्या कर रहे हो कंप्यूटर? मैं इधर ना प्राइस वगैरह देख रही हूँ, कैमरा वैमरा के। इधर देखो कौन से एचपी के, चलो लैपटॉप देखे। अरे कोरिया के इधर आए ना। हाँ ऐसे बैठ के देखो सब कुछ, इधर प्राइस वगैरह लिखे हुए, मतलब क्या क्या चाहिए उधर सब कुछ। सादिया कितने सारे बिस्कुट खरीदा? पूरा बास्केट भरा हुआ ना। हाँ ना, इतना क्यों खरीदा? चाय के साथ, चाय के साथ बिस्किट खाते हो कि बिस्किट के साथ चाय खाते हो? सादिया नहीं, इमोन और माँ मिलके पार्टी करेंगे, चाय बिस्किट पार्टी। फाइनली मैंने कपड़े सारे ही चेंज कर लिए। पहले मैंने सोचा कि शर्ट बस पहनी हुई है, वो अच्छी लग रही है, बड़े टाइम के बाद पहनी है, लेकिन इमान ने बोला अभी उतारो। चलो जल्दी से फिर से पहनेंगे देसी कपड़े। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ नीचे चाय पीने, और उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। चाय पीने, तुम मुझे लगा तुम बना रहे हो, मैं नहीं बना रही, तुम बनाओगे। तुमने रखी है Yeah! और बस उम्मीद है आपको आज का हमारा हाउस टूर अच्छा लगा होगा, और ये व्लॉग यहीं पे एंड है। सी यू टुमारो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। खुदा हाफिज़, बाय बाय। बताना हमारे मन्नत कैसा लगा, हमारा मन्नत गाजी हाउस कैसा लगा, मन्नत रिंद गाजी कैसा लगा, रिंद गाजी हाई वन, रिंद गाजी, रिंद गाजी। Something sweet about you, fancy.